खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज महाराष्ट्र में सरकार बनने को लेकर ऐलान संभव, और इस बीच बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, वो ये कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए जो नाम आगे बढ़ाया गया है वो नाम सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। शरद पवार कह रहे हैं संजय राउत को सीएम बना देना चाहिए। जी हां, वही संजय राउत जो उद्धव ठाकरे के एक तरीके से सबसे बड़े सिप्पे सलार की भूमिका निभा रहे हैं, रोज ट्वीट करते हैं, शिवसेना के लिए मोर्चा संभाला जिन संजय राउत ने, उन्हीं संजय राउत का नाम सीएम के तौर पर शरद पवार की तरफ से बढ़ाया जा रहा है। लेकिन शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, इन नामों को लेकर चर्चा हो रही है। सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। गणेश, ये तो बहुत बड़ी खबर है, शरद पवार जो है वो संजय राउत का नाम आगे कर रहे हैं, क्यों? जी देखिए, जहां एक तरफ ये सबको लगने लगा था कि आज शाम को दावा पेश हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, सब मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों, सारा 16-15-12 फॉर्मूला ले लिया गया, लेकिन अब शिवसेना के अंदर ही मुख्यमंत्री पद के लिए कहीं ना कहीं पेच फंस सकता है, क्योंकि अब कल रात की बैठक के बाद शरद पवार की जो बैठक है उसमें ये कहा गया है, उन्होंने अपनी जो पसंद है वो उद्धव ठाकरे के सामने रखी कि हमारी पसंद, पार्टी की पसंद संजय राउत है, उस पर आप चर्चा करें, क्योंकि आपको मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन है उसका नाम आगे करना है। अब ये नाम सामने खुद शरद पवार ने रखा है, जिनके इर्द गिर्द ही ये सरकार अगर होती है तो चलेगी आगे, तो ऐसे में शरद पवार का शब्द इस सरकार में बहुत महत्व रखता है, रखेगा अगर आगे होती है सरकार बनती है तो उनके ना, उनके इस शब्द को किस तरह टालें या उसको नजरअंदाज करें या वो नहीं कर सकते ऐसा हम निश्चित कह सकते हैं, इसलिए आज की बैठक में इस नाम पर चर्चा होगी। लेकिन एकनाथ शिंदे, जैसा हमने पिछले लाइव में कहा था कि आगे हैं रेस में, वो लॉबिंग पूरी तरह से कर चुके हैं। रोमाना, कुछ महीनों पहले, चुनाव से कुछ महीनों पहले जब जी मैं ये सवाल आपसे पूछना चाह रही थी कि जिस तरीके से अब ये खबर सामने आई है कि शरद पवार जो है वो संजय राउत का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या ऐसा समझा जाए कि ये संजय राउत का नाम उसी स्थिति में शरद पवार की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है अगर उद्धव ठाकरे ना करते हैं तो? अगर उद्धव ठाकरे मान जाते हैं सीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए फिर किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर उद्धव ठाकरे नहीं तो जिस तरीके से हम, आप पहले बता रहे थे कि साहब एकनाथ शिंदे का नाम आगे चल रहा है, तो क्या उस स्थिति में शरद पवार की तरफ से नाम संजय राउत का आगे किया जा रहा है या नहीं? उद्धव ठाकरे के रेस में बने रहने के बावजूद शरद पवार संजय राउत का नाम आगे बढ़ा रहे हैं।